ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी और मैं हूँ तान्या सिंह। राजधानी दिल्ली में शिक्षा जगत के जाने माने नाम जीडी गोयनका लैब अतीत रोहिणी में फर्स्ट बैच के ग्रेजुएशन डे सेरेमनी का आयोजन समारोह पूर्वक किया गया। ग्रेजुएशन डे पर छोटे छोटे बच्चे ग्रेजुएशन कैप पहने नजर आए तो वहीं उनके अभिभावक इस पल को अपने जीडी गोयनका लैब अतीत के रोहिणी स्थित इस ब्रांच का शुभारंभ बीते वर्ष संपूर्ण एनजीओ की फाउंडर शोभा विजेंद्र, जीडी गोयनका लैब अतीत रोहिणी के चेयरमैन राजकुमार जैन और डायरेक्टर अपार जैन शामिल हुए। अतिथियों का स्वागत विद्यालय परिवार की ओर से पुष्प गुच्छ देकर किया गया। वहीं इस कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ की पढ़ाई भी करते हैं। उन्होंने कहा कि एक से लेकर पांच वर्ष की आयु तक में बच्चे जो सीखते हैं यही प्रभाव जीवन भर उनके ऊपर रहता है। ये जीडी गोयनका लैब अतीत सेक्टर 3 के अंदर नया खुला था लास्ट ईयर, तो ये बच्चों ने, छोटे बच्चे हैं प्री स्कूल के, ये जिंदगी की इनकी फाउंडेशन है, नींव है। इसके बाद बच्चे जो है बड़े स्कूलों में जाएंगे, बड़े स्कूलों में पूरे कुरिकुलम से काम करना पड़ेगा, फॉर्मल एजुकेशन करेंगे। यहाँ पे उनको खेल खेल के अंदर उनकी क्रिएटिविटी डेवलप करी जाती है। मोंटेसरी पैटर्न के अंदर बच्चों को पूरी फ्रीडम दी जाती है, जो हमारे 5 senses हैं उनकी अपने senses को डेवलप करा जाता है। तो इस पैटर्न के अंदर बच्चे जो हैं बहुत अच्छी ग्रोथ होती है। रिसर्च ये कहती है कि जिंदगी के पहले 5 साल जैसे बीतेंगे, जैसे उनकी मेमोरीज डेवलप होंगी, वैसे ही आगे उनका पूरा जीवन चलने वाला है। ग्रेजुएशन डे पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पंजाब केसरी ग्रुप की चेयरपर्सन किरण चोपड़ा ने कहा कि मुझे यहां आकर बेहद अच्छा लगा। इस विद्यालय में मैं देख रही थी कि यहां की शिक्षिकाओं को एक एक बच्चे की डिटेल बारीकी से पता है। यही कारण है कि यह अभिभावकों की पहली पसंद है। उन्होंने यंग पेरेंट्स को भी कई टिप्स दिए। वैल्यूज देनी बहुत जरूरी है और सबसे बड़ी बात जो टीचर उनकी ग्रेजुएशन का दे रही थी तो एक एक बच्चे की उनको डिटेल मालूम थी, एक एक बच्चे का। जब हम लोग पढ़ते थे तो हमारे सेक्शन में 50, 60, 70 बच्चे होते थे, टीचर को मालूम ही नहीं होता था कि क्या बच्चा कर रहा है क्या नहीं। आज के टाइम में एक एक बच्चे का डिटेल मालूम है टीचर को। ग्रेजुएशन डे पर पार जैन ने कहा कि यह स्कूल इंटरनेशनल मेथड के मोंटेसरी पैटर्न पर चल रही है। उन्होंने आगे कहा कि मुझे पूरा यकीन है कि फर्स्ट बैच के बच्चे एक बड़े प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए आज तैयार हो चुके हैं। जीडी गोयनका लैब अतीत स्कूल ये एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के एक नई मेथोलॉजी जो है, जो मोंटेसरी पैटर्न पे हम लोगों ने स्टार्ट करा है स्कूल, जो भी इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस है जो अर्ली चाइल्डहुड के फील्ड में, तो वो सारी बेस्ट प्रैक्टिसेस को हमने स्कूल में जो है सबको इकट्ठा करने की कोशिश करी है। फर्स्ट बैच जो हमारा 2023 में हमने स्कूल की स्थापना करी और जो फर्स्ट बैच निकल रहा है मुझे बहुत खुशी हो रही है और मुझे उम्मीद है ये बच्चे जो है बड़े प्लेटफॉर्म के लिए, बड़े स्कूल के लिए आज तैयार है और ये सब जो है हमारे देश का, हमारे सोसाइटी का और स्कूल का नाम रोशन करेंगे। विद्यालय के प्रिंसिपल गरिमा गोयल ने कहा कि 9 महीने का ही संबंध हमारा रहा लेकिन यह एक भावुक क्षण है। पहले ग्रेजुएशन डे में बच्चे यहां से पास होकर निकल रहे हैं, मैं उन्हें भविष्य के लिए शुभकामनाएं देती हूं। This was our first graduation year, so it was very, very special for us, very emotional day. Though the students was for us with for only 9 months, but still we developed a very special bond with them. Parents were very, very happy, very satisfied. So I think it was an overwhelming day for all of us. जीडी गोयनका लैब अतीत रोहिणी के first graduation day पर दिल्ली दर्पण टीवी ने यहाँ enrolled बच्चों के अभिभावकों से भी बात की। अभिभावकों ने कहा कि यह एक शानदार अनुभव है,
न सिर्फ बच्चों की शिक्षा, इसके अलावा पूरा परिसर सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी बेहद महत्वपूर्ण है। हमारे बच्चे हमसे दूर यहाँ रहते हैं, हम अब यह गर्व से कह सकते हैं कि हमारे बच्चे जीडी गोयनका में पढ़कर आए हैं। जब भी हम कोई किसी भी नई शुरुआत करते हैं तो हम पेरेंट्स डरे हुए होते हैं, वी वर वेरी स्केयर्ड कि बच्चा हमारा कौन सी स्कूल में जा रहा है, कैसी स्कूल रहेगी। बट एट द टाइम ऑफ दिस सेरेमनी, एट द टाइम ऑफ द एंड, वी कैन प्राउडली से दैट माय आवर चिल्ड्रन आर जीडी गोयनका। सी द काइंड ऑफ सिक्योरिटी एंड सेफ्टी वी हैव गॉट हियर फॉर द चाइल्ड, प्लस द फैकल्टी इटसेल्फ, दे आर वेरी एजुकेटेड, दे आर वेरी वेल वर्स्ड एंड दे ऑल वर वर्सटाइल एंड दे व्हाट दे हैव यू नो कन्वर्टेड आवर किड्स इनटू, दैट इज टोटली कमेंडेबल। हाईली सैटिस्फाइड, दे आर गिविंग अ बेस्ट एफर्ट टुवर्ड्स आवर किड, दे मेक माय किड ऑल राउंडर। व्हेन वी टॉक अबाउट प्रेजेंटेशन, परफेक्ट, एकेडमिकली परफेक्ट, ईच एंड एवरीथिंग इज परफेक्ट। आई कैन से कि बेस्ट स्कूल प्री स्कूल। निश्चित तौर पर जीडी गोयनका लापतित रोहिणी के पहले बैच का अनुभव शानदार रहा। ग्रेजुएशन डे के साथ ही यह बच्चे भविष्य के लिए तैयार हो गए हैं, उनके सामने पूरा आसमान है। जाते जाते बच्चे टीचर्स को भी भावुक कर गए। अपने घर से दूर ज्यादा समय यह बच्चे इन्हीं टीचरों के साथ रहते थे। कार्यक्रम के अंत में बच्चों के साथ साथ अभिभावक और शिक्षिकाएं झूमने पर मजबूर हो गई। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.dailydarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।